एवेन्यू पर अग्रसेन चौक में पेट्रोल पंप के पास सोमवार को कनेक्शन काटने गए बिजली कर्मचारी से मारपीट करने का मामला सामने आया है। आरोपी लक्ष्य अग्रवाल वर्धमान नगर जूना भंडारा रोड निवासी पर मामला दर्ज किया गया है। बिजली बिल का बकाया वसूली करने गए महावितरण के कर्मचारी के साथ मारपीट कर धमकाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना अग्रसेन चौक में हुई। अग्रसेन चौक मेट्रो स्टेशन के पास सीए रोड में बकाया वसूली के लिए बिजली कर्मी सोपान मेकरतवार ने बिजली ग्राहक राम प्रकाश अग्रवाल की दुकान में गए और वहाँ उनके नाती लक्ष्य नीरज अग्रवाल को बिजली बिल लेकिन उन्होंने जमा करने में असमर्थता दिखाई। तब नियमानुसार वहां की बिजली काटने की कार्यवाही शुरू की गई। इसी दौरान अग्रवाल ने सोपान के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। इतना ही नहीं तो उससे मारपीट भी की और देख लेने की धमकी दी। इस दौरान सोपान जख्मी हो गए। पोलिस स्टेशन तहसील येथे महावितरण चा कर्मचारी आहे, त्यांना ते थकित बिलाची वसुली करण्याकरता गेले असता त्यांना लक्ष अग्रवाल नावाच्या इसमाने माझी वीज का कापली या कारणावरून मारहाण केली होती। त्यावरून पोलीस स्टेशन येथे भादवी कलम 353/506 अन्वये गुन्हा दाखल झालेला आहे आणि त्यामध्ये आरोपीला अटक करण्यात आलेली असून सध्या तो न्यायालयीन कोठडीमध्ये आहे। त्याचं दुकान आहे अग्रसेन चौक अग्रसेन भवन येथे। त्या ठिकाणची वीज थकबाकी होती आणि त्या ठिकाणी वसुली करता गेल्यानंतर वीज कापण्यात आली आणि त्याचा राग येऊन त्याने शासकीय कर्मचाऱ्याला सरकारी कर्मचाऱ्याला मारहाण केलेली आहे। तुरंत इस घटना की सूचना आला अधिकारियों को दी गई। फिर तहसील पुलिस थाने में आरोपी लक्ष्य नीरज अग्रवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। आरोपी पर पुलिस ने विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इनवेस्ट न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।